पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए इस बार मार्केट में इको फ्रेंडली पटाखों की मांग बढ़ी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी इस बार मार्केट में इको फ्रेंडली इलेक्ट्रॉनिक पटाखे नजर आ रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक पटाखों से प्रदूषण नियंत्रण भी होगा और साथ ही बारूदी कचरे से भी निजात मिलेगा। इन पटाखों को जलाने पर ना ही धुआं निकलेगा और ना ही बारूदी कचरा फैलेगा। बस पटाखों को इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में प्लग करने के बाद रिमोट से संचालित किया जाता है। सिर्फ एक बटन दबाने पर पटाखे जैसी आवाज तो आएगी पर कहीं धुआं नहीं दिखेगा। बदलते वातावरण और बढ़ते प्रदूषण को मद्देनजर रखते हुए दुकानदार भी इनकी बिक्री पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। देखिए, दिवाली का टाइम है और दिवाली के मौके में वाराणसी संसदीय क्षेत्र मोदी जी का है और पटाखों की धूम मची हुई है, इसलिए वो संदेश दे रहे हैं लोग कि इस बार इको फ्रेंडली पटाखे यूज़ करें और बारूद वाले पटाखे, जिससे हमारे देश को प्रॉब्लम है, हमारे स्वास्थ्य को प्रॉब्लम है, हमारे शहर में प्रॉब्लम है, उससे दूर रहें। इसके लिए हम लोगों ने इको फ्रेंडली पटाखे लॉन्च किए हैं, जो भी गार्ड साहब ने चला के आप लोगों को दिखाया, और वो पटाखे काफ़ी आरामदायक हैं और लाइफ टाइम के लिए हैं। देखिए, हर कोई नई चीज़ के लिए आकर्षित होता है, बस किसी को पता होना चाहिए। आज के डेट में जो लोगों को पता है वो इको फ्रेंडली ले रहे हैं, जिनको नहीं पता कोई बात नहीं, लेकिन धीरे धीरे एक दूसरे के जरिए पता चल गया है और इको फ्रेंडली इस बार धूम मचा रहे हैं। आपके दुकान पे सिक्योरिटी में खड़े हैं, वो सेना में भी रह चुके हैं, इस तरीके का उनसे मैसेज दिलवा रहे हैं? हमारे आर्मी मैंस जो हमारे सिक्योरिटीज़ में हैं और छोटा मॉल के एक तरह से कह सकते हैं सहायक में हैं, और इन्होंने अपनी व्यवस्था के साथ एक समय में रियल गोली चलाई है और यहाँ पे एक लॉन्चर के रूप में सेकंड गोली चला रहे हैं, जो इको फ्रेंडली है, जो लोगों को पसंद भी आ रही है और आम जनता के बीच में चलाई जा सकती है। पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए सिर्फ दुकानदार ही नहीं बल्कि ग्राहक भी लोगों को इको फ्रेंडली पटाखे लेने के लिए जागरूक कर रहे हैं। अभी तो देख रहे हैं, मैं आज देख रही हूँ कि नए नए आगे भी मार्केट में पटाखे जो हमारे प्रदूषण बढ़ाते थे पहले, लेकिन अब इतना बड़ा क्रांति आ चुका है कि अब हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक पटाखे आ चुके हैं, जिसमें प्रदूषण का कोई खतरा नहीं है। हमारे जो पॉल्यूशन का लेवल इतना बढ़ता जा रहा है, उसको कंट्रोल करने के लिए अब हमारे लिए बेहतर यही है कि हम ये इलेक्ट्रॉनिक जो पटाखे आए हैं उनको अपना लें। बच्चों को इससे क्या लाभ है? अरे, बच्चे जलेंगे नहीं, प्रदूषण नहीं होगा, उनको किसी तरीके का परेशानी नहीं होगा, तो जलने से भी वो बच सकते हैं और अलग से दोबारा हमारा पॉल्यूशन भी कम कर सकते हैं। तो हमें और हमारे बच्चों को, बड़ों को, सबको एक साथ मिलकर इस पटाखे को अपनाना चाहिए और मैं भी वही करने आ जाई हूँ, मैं भी ये पटाखा अपनी तरफ से लेने आई हूँ। तो मैं अपील करूँगी कि सब लोग जो पटाखे हैं उसको त्यागें और ये इलेक्ट्रॉनिक पटाखे जो आए हैं मार्केट में उसे अपना लें। दिवाली से पहले मार्केट में शॉपिंग के लिए भीड़ लगी हुई है और ऐसे में इको फ्रेंडली पटाखों की डिमांड भी बहुत ज्यादा है। सिर्फ वाराणसी में ही नहीं बल्कि पूरे देश में इको फ्रेंडली इलेक्ट्रॉनिक पटाखों की मांग बढ़ी हुई है। वाराणसी से न्यूज के लिए श्याम सुंदर मिश्रा की रिपोर्ट।